नमस्कार, स्वागत है आपका सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। आप सभी दोस्तों को 2020 इस नए वर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे संक्रांत स्पेशल तिल गुड़। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे इसमें कई जगह पर रोस्टेड मूंगफली का पाउडर मिक्स करके या फिर चीनी का पाउडर तिल में मिक्स करके, मतलब अलग अलग तरीके से तिल गुड़ बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि विदर्भ में तिल गुड़ कैसे बनाया जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेखा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तिल गुड़ बनाने के लिए हमने लिए है 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़। गुड़ को हमें अच्छे से क्रश करके लेना है। मैंने गुड़ को चाकू से बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। अब सबसे पहले हम पैन को अच्छे से गरम करेंगे और गरम करने के बाद इसमें तिल को अच्छे से भूनेंगे। हमें लो से मीडियम फ्लेम पर ही तिल को अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि तिल अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए और ऊपर से इसकी जलने वाली स्मेल भी ना आए। अब अच्छे से रोस्ट होने के बाद तिल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इस तरीके से थोड़े से तिल खाकर भी चेक कर सकते हैं, ताकि तिल अच्छे से भुने हैं या नहीं हमें ये पता चले। तिल अच्छे से रोस्ट करने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए ट्रांसफर करेंगे। तिल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे मिक्सर के पॉट में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हम मिक्सर के पल्स मोड पर ही चलाएंगे, नहीं तो तिल जो है ना वो बहुत बारीक हो जाएंगे। तिल को हमें दरदरा ही पीसना है। अब इस तिल में हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ मिक्स करेंगे। तिल और गुड़ को अच्छी तरीके से मसल कर हमें मिक्स करना है और इसे थोड़ा सा खाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको लगे कि फीका है तो इसमें फिर और गुड़ को अच्छे से मिक्स करें, मतलब आवश्यकता के अनुसार ही हमें इसमें गुड़ को डालना है। अब हम इसे और एक बार मिक्सर पॉट में डालकर इसे सिर्फ एक बार पल्स मोड पर चलाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो और इसमें कोई गांठें भी ना हो। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम प्योर तिल गुड़ बना है, क्योंकि ना तो हमने इसमें रोस्टेड मूंगफली का पाउडर मिलाया है और ना ही चीनी का पाउडर, तो है ना ये बिल्कुल प्योर और सेहतमंद। क्योंकि गुड़ तो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है ही, साथ में तिल भी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, सिर्फ इसे एकदम ज़्यादा मात्रा में एकदम से ना खाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, जितना तिल को हम अच्छे से भुनेंगे लो फ्लेम पर, उतना ही तिल गुड़ का जो टेस्ट है ना वो परफेक्ट बनेगा। अब इसी तिल गुड़ से हम लड्डू भी बनाएंगे। सिर्फ हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा पीसना पड़ेगा, तभी इसका लड्डू अच्छे से बन पाएगा। मैंने इसमें लड्डू बनाने के लिए दूध या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा इसे ज़्यादा पीसा है, नहीं तो पानी या फिर दूध मिलाने से ये लड्डू ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, खराब हो जाते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो गुड़ को मेल्ट करके और उसमें फिर रोस्टेड तिल को डालकर उसके भी लड्डू बना सकते हो। सिर्फ मैंने एक तिल गुड़ से आपकी दो रेसिपीज इजीली कैसे बने सिर्फ आपसे ये शेयर किया है। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं ना। आप भी इसे ऐसे ही बनाएं, ताकि आपके जो ये लड्डू है वो खराब ना हो। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांत। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला।